श्री राम जय राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की नींद प्राकृतिक है जगत की खबर नहीं रहती इसलिए कोई दुख नहीं रहता वह आवश्यक है पर सदा निद्रा अच्छी नहीं है इसीलिए रजोगुण भी सुख देता है पर रजोगुण का मतलब है कर्म से सुख मिलता है कर्म करते में सुख मिलता है रजोगुण है विश्राम में निद्रा में जगत की प्रतीति न रहने पर जो सुख मिलता है ये तमोगुण है आलसी आदमी तमोगुणी आदमी कुछ न करने में ही सुख अनुभव करता है रजोगुणी आदमी कुछ करने में सुख अनुभव करता है शतोगुणी आदमी केवल सत्व के प्रभाव से बिना किए बिना सोए आनंद का अनुभव करता है गुणातीत व्यक्ति तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों से अतीत होता है वह आनंद का भोक्ता नहीं आनंद स्वरूप होता है आनंद चाहे विश्राम में पाता है चाहे श्रम में पाता है चाहे निद्रा में पाता है ये गुणात्मक है त्रैगुण्य विषया वेदाह निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन तुम गुणातीत तो हो जाओ गुणों के पार निकल जाओ गुणों की आधीनता न रहे किसी गुण के हम मोहताज न रहे गुण तो हो पर हम गुणासक्त न हो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानी न निवृत्तानिकांश थी किसी गुण की प्रवृत्ति और निवृत्ति के चुनाव से मुक्त हो जाए ज्ञान की पराकाष्ठा में शरीर इंद्रियां, मन ये रहें या न रहें, सत्य सदा रहता है चैतन्य सदा रहता है आनंद सदा रहता है इस सृष्टि का अधिष्ठान सचित आनंद और अद्वय है इस सृष्टि का अधिष्ठान इस सृष्टि का आधार इस सृष्टि का बीज इस सृष्टि का आश्रय सत्य है चैतन्य है आनंद है और अद्वय है दो नहीं है दो तो मात्र स्वप्न है अनेकता का स्वप्न है इस यात्रा को पूरी करना है तो हम जब भी कोई क्रिया करें तो प्रेम से करें भक्ति से करें इसीलिए गीता का ये श्लोक कई बार मैंने बताया है जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित यज्ञ करता है तप करता है दान करता है पूजा पाठ करता है और भी कोई आचरण करता है उसका विश्वास और श्रद्धा के बिना जो करता है उस करते समय भी बहुत फल की प्राप्ति नहीं होती करते समय भी रस प्रेम आनंद प्रकट नहीं होता और करने के बाद भी मृत्यु के अनंतर अगले जन्म में भी उसको कुछ नहीं मिलता न चेत्य न तो मरने के बाद नो ई न इस समय यहाँ पर लेकिन जब हम प्रेम से भजन करते हैं तो उसी समय आनंद मिलता है नहीं मिलता इसका मतलब प्रेम नहीं है रजोगुणात्मक अनुभव होगा कि खेलते समय इनाम भी मिलता होगा खिलाड़ियों को पर इनाम न मिले तब भी खेलते समय आनंद मिलता है बल्कि जो हार जीत के लिए खेलते हैं उन्हें खेलने का आनंद कम आनंद की आशा से खेलते हैं फल की आशा से खेलते हैं रिजल्ट के लिए खेलते हैं खेलने का आनंद कम लेते हैं उसकी दृष्टि परिणाम पर चली जाती यदि इनाम न मिले तो एक वर्ष का खेलना मेहनत बेकार गई ये किसकी सोच है एक वर्ष खेले स्वस्थ हुए मन प्रसन्न हुआ अच्छा लगा लेकिन ध्यान था मैच में शामिल होने का पुरस्कार पाने का उसमें शामिल हुए हार गए तो साल भर की मेहनत तुमको कैसी लगेगी तुम बोलो बेकार तुमने पढ़ाई की ज्ञान के लिए नहीं ध्यान के लिए नहीं योग्यता के लिए नहीं नौकरी के लिए रिजल्ट के लिए फेल हो गए तो क्या कुछ नहीं मिला फेल हो जाने पर भी मिला लेकिन वो चूंकि तुम्हारी शुरू से नजर फल पर थी फल मिला नहीं निष्फल हो गया पर जब भगवान का भजन कोई प्रसन्नता से करता है तो भजन से स्वर्ग नहीं मिलेगा भजन से अगला जन्म नहीं मिलेगा धन नहीं मिलेगा पुत्र नहीं मिलेगा तो भजन का आनंद नहीं मिलेगा कामना रहित व्यक्ति और युक्त व्यक्ति में यही फर्क है पूरी गीता कामना का खंडन करती है फल पर नजर रखने को मना करती है भगवान कृष्ण का यही श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्व अकर्मण तू अकर्म को भी पसंद मत कर कर्म का भी त्याग ना कर और कर्म भी फल के लिए मत कर तो कर्म करते समय भी सांसारिक कर्मों में सुख मिलता है पर भगवान के भजन में या तो सुख ही नहीं मिलता या फल पर नजर होती आज मंदिर भीड़ से भरे हुए हैं पर किसी को भगवान से प्यार नहीं है भजन से प्यार नहीं है भजन का आनंद ही नहीं जानते मंदिर जाने वाले निन्यानबे प्रतिशत भक्ति है निन्यानबे प्रतिशत भजन का आनंद दर्शन का आनंद मंदिर का आनंद नहीं लेते किसी को लड़का नहीं हो रहा किसी की दुकान नहीं चल रही कोई रोगी है तो भगवान को पटाने जाते पट गए तो खुशी नहीं पटे एक साल जाते हो गया अब तो हमने मंदिर में जाना छोड़ दिया भगवान ने जो संतान को जन्म दिया है उसमें दो चीजें हैं सुख और पुत्र सुख की अनुभूति पुत्र की प्राप्ति कई बार पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो एक दुख तो है पर सुख की प्राप्ति तो कर ही रहे हैं छोड़ते काम कभी कभी पुत्र नहीं चाहिए तब भी काम का त्याग नहीं करते यदि भगवान फल नहीं देते तो भजन क्यों छोड़ा पुत्र नहीं हुआ स्त्री नहीं छोड़ी पुत्र नहीं हुआ पति नहीं छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा पुत्र नहीं हुआ सुख तो मिलता है यदि भजन में सुख मिलता है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा जाए भाड़ में यदि भजन अच्छा लगता है तो भजन के बदले पुत्र नहीं हुआ ना हुआ पर भजन बेकार कैसे हो गया यदि भक्ति का सुख तुमको मालूम है तो मुक्ति भी फीकी है भक्ति से अपने आप वासनाएं नहीं रहती भक्ति के आनंद में डूबे व्यक्ति की वासनाएं विलीन हो जाती हैं और वासनाओं के विलीन होने से मुक्ति तो वासनाओं के अभाव का ही नाम है कामनाओं का अभाव हो गया आत्मरति आत्मक्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद अपने अंदर का आनंद अनुभव होने लगा अभी हमको आनंद और का मिलता है खेलने में जीत का मिलता है खेलने का नहीं धन में मान का मिलता है मान के लिए लगे कहीं पर भी हमें अभी कर्म का सुख नहीं मालूम कुछ भाग्यशाली हैं जो कर्म का सुख जानते हैं कुछ लोग कर्म से ज्यादा भाव का सुख भजन एक क्रिया भी है भजन एक भक्ति भी है पूजा एक क्रिया भी है पूजा एक अंदर का आनंद भी है नमस्कार एक क्रिया है नमस्कार के पीछे एक भाव है यदि हम क्रिया को भक्ति पूर्वक करेंगे तो अंदर का सोया आनंद प्रकट होगा जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है पानी डाल दो नमी हो मिट्टी पा जाए तो क्या निकल आएगा वृक्ष निकल आएगा वृक्ष सोया है आनंद भी प्रकट होता है प्रेम से प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी सांच कहा सुन सबे जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो आनंद भी प्रभु है सत्य प्रभु है चैतन्य प्रभु है चैतन्य परमात्मा है आनंद परमात्मा है सत्य परमात्मा है जन्म मरण रहित जो अस्तित्व है वो परमात्मा है जो चैतन्य है जिसमें सोना नहीं है वह चैतन्य परमात्मा है जो आनंद स्वरूप है भोग्य नहीं है वो परमात्मा है वह मेरा जो सत्य है चैतन्य है आनंद है जो सोया पड़ा है मेरा सतपना सोया है असतपना प्रकट है सतपना मेरा सदा रहनापना सोया है थोड़े दिन रहनापना प्राप्त है जैसे ढेले को सदा रहने वाली मिट्टी प्राप्त नहीं है कुछ दिन रहने वाला ढेला प्राप्त है जो कुछ दिन रहने वाला है वो खो जाएगा सदा रहने वाला वही है पर वो प्राप्त नहीं है प्राप्त होते हुए भी इसका मतलब मिट्टी प्रकट हो जाए अभी मिट्टी में ढेला प्रकट है मिट्टी में घड़ा प्रकट है घड़े में मिट्टी प्रकट नहीं है अभी हमारे सत्य में चैतन्य में आनंद में सुख प्रकट है चिदाभास जीवनाभास प्रकट है सत्यता का आभास मात्र है वास्तविक सत्य सोया पड़ा है उस वास्तविक सत्य को प्रकट करने के लिए सत्य का आवरण हटाने के लिए आनंदापादक आवरण हटाने के लिए सत्यापादक आवरण हटाने के लिए सत्यता में आवरण न रहे सत्य साक्षात अपरोक्ष हो चैतन्य में निद्रा आदि ना हो वो झूठी है जागना सोना झूठा सत्ता तेतन कभी नहीं जागता कभी नहीं सोता सत्य चैतन्य आनंद आनंद कभी क्षण भर की घटना नहीं है मिलना, मिलने मात्र 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 का 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 सुख, 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 सुनने करने तो रजोगुण है पर रजोगुण में भी जो प्रकट हुआ यदि पानी डालने से भी जमीन पाने से भी प्रकट हुआ तो प्रकट तो हुआ जो उसके अंदर था यदि करने में भी आनंद प्रकट हुआ तो आनंद तो तुम्हारा था यदि भक्ति और पूजा करते प्रेम और आनंद प्रकट हुआ तो आनंद तो तुम्हारे अंदर छिपा था प्रकट हुआ है मिला नहीं तुम्हारी सोच ये है कि मिला तुम्हारी बुद्धि में समझ में ये आता है कि आनंद मिला ये ख्याल नहीं आता आनंद प्रकट हुआ यदि पौधे को बीज को ये भ्रम हो जाए कि पानी मिलने से आनंद मिला है पेड़ मिला है पानी मिलने से पेड़ मिला है तो यदि पानी के प्रति आकर्षण बढ़ जाए नासमझी बढ़ जाए कि पानी से पेड़ प्रकट हुआ है और डाल दे और डाल दे और डाल दे तो पेड़ प्रकट होगा कि और सड़ जाएगा बात समझे जिस पानी से जिस सुविधा से जिस धूप से पेड़ पनपता है उसी धूप से सूख जाता है यह भ्रम है कि पेड़ धूप में है पेड़ पानी में है पेड़ बीज में है बीज से तो प्रकट होने का साधन है पर पेड़ तो बीज में ही छिपा था मेरे किसी क्रिया से किसी पद्धति से किसी अभ्यास से जो प्रकट हुआ वो आनंद है वो मेरे अंदर है मेरी आंख अंदर होनी चाहिए मेरा ध्यान अंदर होना चाहिए कि आनंद प्रकट हुआ है भजन से भी आनंद प्रकट हुआ है प्रार्थना से भी आनंद प्रकट हुआ है प्रभु के स्मरण से भी आनंद प्रकट हुआ है राम के ध्यान से कृष्ण के ध्यान से प्रेम आया प्रेम में आनंद आया प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी जैसे आग लकड़ी से प्रकट होती है पत्थर से ऐसे ही आनंद प्रेम परमात्मा प्रकट हुआ है जिनके अंदर प्रेम प्रकट हुआ चैतन्यता आएगी आनंद आएगा तो आज इसे प्रकट करना है ध्यान रखें क्रिया लगभग मिलती जुलती होगी पर एक जैसी नहीं सब नकल नहीं करेंगे किसी की अपनी सामर्थ्य क्योंकि शुरू में सामर्थ्य का प्रयोग करना पड़ेगा बिना किए कुछ होगा नहीं पर बाद में पता चलेगा ये तो थाई करने से प्रकट होगा बाद में पता चलेगा सत्य तो पहले ही है चैतन्य पहले ही है अद्वैत तो पहले ही है संसार नाम की बंधन करने वाली वस्तु वास्तविक है ही नहीं नित्य मुक्तत्व तो, लेकिन पहले श्रम करना पड़ेगा क्योंकि हम जहां खड़े हैं ना समझी में खड़े समझ विकसित हो और हम कितने कर्म करें हमको एक भ्रांति बनी रहेगी कि सुख कर्म में है सुख इसके मिलने में है जबकि मिलने में सुख नहीं करने में सुख नहीं कुछ पाने में नहीं, ही सुख नहीं कोई सुख नहीं सुख तो मेरा स्वरूप है पर ये भ्रांति टूटेगी भ्रांति का निवारण होगा भ्रांति के जाने के ढंग सतगुरु मिले तो जाए जिम संशय भ्रम समुदाय सतगुरु के मिलने से भुलेखा मिटता है भ्रम टूटते हैं नहीं तो जिंदगी भर पढ़ जाओ लिख जाओ धनी बन जाओ सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा जीवन मिलेगा फिर मौत मिलेगी जगना मिलेगा फिर सोना दबो चलेगा एक ऐसा सत्य है जिसको कभी नींद नहीं आई जो कभी नहीं जागा कभी नहीं जन्मा कभी नहीं मरता और वो सबका आश्रय है परमात्मा है उसकी याद उसको पाना पाने का तरीका क्रम से आगे बढ़ना तो पहली चीज आज हम स्वास से नाम जपेंगे नाम तीन तीन में चुनाव करना है जोश मंत्र श्वास में दो भागों में बढ़ता है जैसे शो लेना और हम से निकालना या रा म। यदि सगुण साकार से प्रेम प्रकट हो जाए क्योंकि बिना प्रेम प्रकटे हुए बिना भक्ति के उदय के बिना अंदर की एकाग्रता के बात नहीं बनेगी जिस मंत्र में तुम्हारा मन नहीं लगे चाहे कितना अच्छा मंत्र हो काम नहीं बनेगा इसलिए मंत्र वो हो जो तुम्हारे विश्वास आस्था से जुड़ा हो जिससे प्रेम आए कई बार विवाह करने वाले जिससे प्रेम हो जाता है उससे विवाह करते हैं जिससे प्रेम नहीं है उससे सुख अनुभव नहीं करते ब्याह में रुचि नहीं लेते आखिर स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष है लेकिन बिना प्रेम के बात नहीं बनती इसी तरह से मंत्र कोई हो पर जिससे तुम रीझ जाओ हाँ, यद्यपि सांसारिक कहावत है पर कहीं भी लगा लो यदि रीझ जाए मन गधी से तो परी का क्या काम गदी से रीझ जाए तो परी की कोई जरूरत नहीं तरह तुम्हारा मन किसी मंत्र में रीझ जाए तो महामंत्र की भी जरूरत नहीं महामंत्र वही है जिससे तुम्हारा मन रीझ जाए वही देवता है जिस पर तुम्हारा मन रीझ जाए चाहे फिर राम हो कृष्ण हो कोई हो इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जो राम नाम से रिझे भले उसको किस रूप में मानते हैं कबीर जैसे तार्किक कबीर जैसे महान कबीर जैसे जागृत पुरुष राम नाम नहीं छोड़ते हमारे नवे गुरु जी राम नाम की बार बार बात करते हैं आखिर और कोई नाम ले लेते राम ही क्यों सब सुखदाता राम है जय घट सुमिरन राम को राम शब्द क्यों आखिर और शब्द थे इसका मतलब जिस शब्द से प्रेम प्रकट होता है वह जपना चाहिए उसमें राम नाम भी है और शो हम अब इसमें यदि मंत्र से प्रेम हो केवल मंत्र से मंत्र जपते जपते हाँ मंत्र जपते जपते मैं खो जाऊं नाम जपते जपते सुमिलन करते करते दुनिया छूट जाए जैसे किसी के प्रेम में दुनिया की परवाह नहीं रहती ऐसे ही नाम जपते जबते मुझे इंद्रियों की जरूरत बाहर की जरूरत ना रहे तो वो मंत्र शो हम भी हो सकता है रा म हो सकता है वाहे गुरु हो सकता है तीन इसलिए मैंने चुनाव किए हैं कि किसी मत के हिसाब से वाहे गुरु सुंदर है यदि उनका प्यार है तो पूरे प्यार से वाहे गुरु जबान से नहीं बोलेंगे श्वास से बोलेंगे वाहे गुरु श्वास लेते में वाहे गुरु जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो बोलेंगे शो हम शो हम पर मंत्र में पूरी एकाग्रता और प्यार चाहिए जिनके अंदर साकार के प्रति भी श्रद्धा है निराकार के प्रति वो सगुण निराकार निर्गुण निराकार दोनों ही राम है राम निर्गुण निराकार भी है सगुण साकार भी है वो एक रूप भी है अरूप भी हैं ऐसे लोग रामा का करें। एकाग्रता, तुम्हारी पूरी श्रद्धा प्रेम करते जाओ श्वास कम करो ज्यादा करो लंबी करो छोटी करो शरीर बदलो पर कोशिश करो करते करते शरीर बदलना भूल जाए श्वास में लीन हो जाए फिर धीरे धीरे श्वास छोटी हो जाए तब भी मंत्र चलता रहे मंत्र कितना छोटा हो, कम नहीं होता। अक्षर छोटे हो, बड़े हो। यदि कमल शब्द लिखा कमल तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कमजोर आंखें देख लें दूर से लोग देख लें इसलिए बोर्ड बड़े बड़े बनाए जाते हैं दूर से दिख जाए पर कमल शब्द कमल छोटा हो बड़ा हो राम शब्द बड़ा अक्षरों में छोटे अक्षरों में राम की मूर्ति बड़ी या छोटी एक ही बात है छोटी मूर्ति का कम असर होता होगा बोलो पर हम मूर्ख लोग बड़ी प्रतिमा हो तो जैसे प्रभावित होते हैं छोटी होती है तो लगता है छोटी है जैसे बड़े धनी छोटे धनी बड़ा मकान छोटा मकान आजकल भगवान भी छोटे भगवान बड़े भगवान भगवान कभी छोटा बड़ा होता है गुण कम हो जाता है इसलिए आप श्रद्धा पूर्वक अब आंख बंद करेंगे और श्वास लेते समय रा छोड़ते में मां लेते समय शो लौटते में हम लेते में वाहे छोड़ते में गुरु पूरी श्रद्धा से तीन में सभी दुनिया समा गई श्रद्धा जिस पर है उस मंत्र का जाप प्रेम पूर्वक एकाग्रता से करें प्रेम प्रकट हो जाए प्रसन्नता प्रकट हो जाए एकाग्रता इतना ज्यादा ना करो कि थक जाओ इतना कम ना करो कि आलस्य बना रह जाए आलस्य तो पड़ोसी के पास भी न रहे हल्के हो जाओ खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ गदगद हो जाओ कोई की परवाह न रह जाए इसलिए आंख बंद करके तीन में से चुनाव पहले करो श्वास लेते हुए या तो वाहे गुरु या रा अंदर से बोलो चैतन्य बोल उठे भीतर की आत्मा बोल उठे जबान से बहुत बोले हाथों से बहुत जपा श्वास से भी कोई कोई जपते हैं पर श्वासा की भी क्या अंदर की चेतना चेतना जाप करने लगे शो हम वाहे गुरु आंख बंद शुरू करें थोड़ा तेजी लाए जिससे तमोगुण भाग जाए दर्द भाग जाए नीरसता भाग जाए शरीर की जकड़न चली जाए शरीर से पसीना फूट पड़े मन आनंद में डूब जाए वाहे गुरु शो हम रा जपें आप अपना अपना जपें मंत्र जपो नाम जपो मैं बार बार अलग अलग नहीं बताऊंगा न मैं बाहे गुरु कहूंगा न राम कहूंगा न शो हम कहूंगा एक बार बता दिया अब कहूंगा नाम जपो नाम जपो नाम जपो श्वास लेते में छोड़ते में श्वास ग्रास ना बिशरे श्वास के लेने में ना भूलो छोड़ने में ना भूलो प्रेम प्रसन्नता एकाग्रता करते जाओ करते जाओ रीझ जाओ रीझ तुलसी अपने राम को रीझ बजे चाहे खींच भजो जपो मस्त हो जाओ जपते 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 लीन हो जाओ एक वाक्य याद रखो झूठा खेले झूठा खेले सच्चा होए सच्चा खेले बिरला कोय झूठा जपोगे सच्चा हो जाएगा जपना शुरू करो झूठा जपे सच्चा हो सच्चा जपे बिरला को बिना प्रेम के जपे तो प्रेम पैदा हो और प्रेम से जपे तो कहना ही क्या है शुरू करो शुरू करो तुम नास्तिक हो प्रेम नहीं है तो भी शुरू करो हो जाएगा झूठा खेले सच्चा हो सच्चा खेले बिरला होए। झूठा साधु बने कभी कभी सच्चा हो जाए और जो सच्चा साधु बने कहने क्या है वो तो कोई बिरला है इसलिए झूठा भजे सच्चा हो सच्चा भजे बिरला को सचमुच भजन करने वाले कोई बिरले हैं यदि तुम्हारा मन नहीं लगता तो शुरू करो कोई बात नहीं शुरू करो शुरू करोगे सच्चा हो जाएगा करते करते प्यार आ जाएगा करते करते मन एकाग्र हो जाएगा करते करते भक्ति का उदय हो जाएगा समाधि लग जाएगी और यदि शुरू में ही प्रेम और श्रद्धा है तो कहीं नहीं क्या है बधाई के पात्र हो शुरू करो करते जाओ करते जाओ चलते जाओ श्वास लो छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो नाम से श्वास लो नाम से छोड़ो नाम लेते हुए श्वास लेना नाम लेते हुए श्वास लेना नाम लेते हुए श्वास छोड़ना प्रेम से एकाग्रता से भक्ति से और करो और प्रेम और प्रेम और एकाग्र तो तुम कर सकते हो जहां तक तुम कर सकते हो तुम करो जहां तुमको जरूरत नहीं तहां परमात्मा स्वयं तुम्हें लेंगे। तुम्हें लेंगे अपनी गोद ले लेंगे अपने में मिला लेंगे तुम उसमें आप ही मिल जाओगे पर शुरू तो करो शुरुआत तो तुम ही करोगे शुरुआत शुरुआत तुम करोगे आगे प्रकृति तुम्हें खींच लेगी सांसारिक मार्ग में भी पहले शुरू में तुम ही शुरुआत करते हो चाहे जुआ की चाहे शराब की चाहे सांसारिक प्रेम की पर धीरे धीरे प्रेम तुम्हें पकड़ लेता है शराब तुम्हें पकड़ लेती है जुआ तुम्हें पकड़ लेता है पहले तुम पकड़ो भजन को फिर भजन तुम्हें पकड़ लेगा पहले मनुष्य शराब पीता है फिर शराब शराब को पीती है फिर मनुष्य शराब को शराब मनुष्य को पी जाती है पहले तुम भजन करो फिर भजन भजन करेगा फिर भगवान तुम्हारा भजन करें शुरू करो शुरू करो प्रेम 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 चिन्ह प्रेम की हो तीन ही प्रभु पायो हमें कोई फल नहीं चाहिए हमें स्वर्ग नहीं चाहिए हमें पुत्र नहीं चाहिए हमें धन नहीं चाहिए हमें तो प्रभु में मन लगाना है भजन करना है भजन लक्ष्य है मुक्ति भी लक्ष्य नहीं मुक्ति भी आवे तो ठुकरा दो शांति ठुकरा दो दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए मुझे तो प्रेम पूर्वक भजन करना है भजन लक्ष्य है नाम जपना लक्ष्य है नाम ही मेरा जीवन है नाम मेरा प्राणाधार है नाम मेरा आनंद है नाम के बिना आनंद नहीं चाहे नाम के बिना मुक्ति नहीं चाहेता मेरा लक्ष्य है नाम नाम ही मेरी मुक्ति जैसे तुमे माता चपिता तुम्हें वो तुम्हें व बंधुश्च सखा तुमे व तुम्हें व बंधुश्च रवीणम तुमे मम देवदेव देव। नाम मेरा पिता नाम मेरी माता नाम मेरी भक्ति नाम मेरी मुक्ति नाम मेरी साधना नाम के शिवा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए नाम के शिवा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए नाम मेरी मुक्ति है ये सुमिरन ही मुक्ति है सुमिरन मुक्ति सुमिरन साधना इसके अलावा कुछ नहीं होश पूर्वक चैतन्य रहकर सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ कल तन तनमाय मिटाओ आनंद में डूबो प्रेम में डूबो पर नाम का आनंद सुमिरन का आनंद जाप का आनंद साधना यही और कोई साधना नहीं एक ही साधना नाम जप एक ही साधना प्रभु का स्मरण एक ही साधना सजग रहकर प्रेम पूर्वक नाम जपना राम नाम जपना फिर सारा संसार अपना फिर मुक्ति अपनी परमात्मा अपना सब कुछ अपना राम राम जपना फिर सब कुछ अपना यदि नाम अपना नहीं तो कुछ भी अपना नहीं फिर सब सपना फिर सब सपना सब, सब देखा एक तू नहीं है तो क्या है सब कुछ है पर तू नहीं तेरा सुमिरन नहीं तो फिर क्या है सुमिरो 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 शुरू करो करते जाओ करते जाओ झूठा खेले फिर याद करो झूठा खेले झूठा शुरू करे तो सच्चा हो जाएगा और जो सच्चा करेगा तो कोई कोई बिरला सच्चा बोले सच्चा खेले सच्ची साधना करे बिरला कोई कोई बिरले सच्चे मन से करते हैं शुरू तो सब झूठे मन से करते हैं जब घर छोड़ते हैं तो अकल नहीं होती धीरे धीरे आप ही आ जाएगी बल लग जाओ इस रास्ते पर जीवन बेड़ा पार जीवन धन्य कृत क्रत कृत्य जागो सजग रहो तुम्हें नहीं मतलब शरीर से नहीं मतलब इंद्रियों से नहीं मतलब संसार से न स्वर्ग से नरक से न अगले जन्म से न पिछले से न पाप से न पुण्य से मेरा कोई मतलब नहीं मेरा मतलब है केवल प्रभु नाम के जाप से आनंद जिसकी जिसको लगन होती है वो उसी में मगन हो जाता है जिसकी जाही में लगन वो वाहि में मगन तो तुम आज भजन में मगन हो जाओ नाम में मगन हो जाओ मगन जिसकी जिसमें लगन जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन दुनिया के लोग माल मस्त दाम मस्त चाम मस्त तुम राम मस्त तुम राम मस्त कोई जुए में कोई ताश में कोई इसमें कोई उसमें कोई किसी में मस्त है पर तुम आज भजन में मस्त हो भजन में भजन में भजन में, भजन में। एक काम तुम कर लो तो दूसरा मैं कर दूंगा भगवान स्वयं कर देंगे शुरू तुम करो मन तुम लगाओ भगवान से कृपा मांगो लगो लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ बहुत अच्छे कोई वाहे गुरु जप रहा है वाहे गुरु वाहे कोई शो हम शो हम शो हम कोई रा तुम जपे जाओ जपे जाओ जपे जा जपे जा प्रभु का नाम जपे जा लिए जा लिए जा प्रभु का नाम लिए जा और बाहर की जबान सी ले जैसे जबान है ही नहीं आंखें है हैं ही नहीं हाथ है ही नहीं दुनिया है ही नहीं बस एक मेरा मैं हूं और प्रभु का नाम है प्रभु प्रभु का नाम एक प्रभु प्रभु का नाम और आप बाकी कोई नहीं और जबते जबते प्रभु का नाम तुम और प्रभु तीन नहीं रहे तीनों चैतन्य आत्मा में क्षमा गए एक चेतन में मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पिछाण मन स्वयं खो गया चेतन में अभी तक दुनिया में भटकता था लहर जब तक दौड़ती है लहर है लहर ने दौड़ना बंद किया तो जल रह जाता है लहर सागर में मिल जाती है ये कह सकते हो पर मेरी दृष्टि से लहर खो जाती है लहर थी ही नहीं सागर था सागर है सागर रह गया अंदर चैतन्य परमात्मा है चैतन्य परमात्मा था चैतन्य परमात्मा रह गया मन खो गया कल्पना खो गई इंद्रियां खो गई जपे जा श्वास के सहारे जपे जा श्वास ग्रास न बिसरे सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ नाम निसरे नाम न बिशरे ऐसी कृपा करो महाराज हे प्रभु हे दीन बंधु कृपा करो मैं संसारी हूँ प्रमादी हूँ हूं, गड़बड़ कर सकता हूँ तू मदद कर तू कृपा कर तू सुमिरन करा ले तू भजन करा ले तेरे हाथ में सब कुछ है मेरे हाथ में कुछ नहीं सब कुछ तेरे हाथ में है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है मेरे मेरे वश में नहीं है तू चाहेगा तेरी कृपा होगी जा पर कृपा राम की हो ता कृपा करे सब कोई फिर परिस्थितियां मदद करती हैं, समय मदद करता है गुरु मदद करते हैं मंत्र मदद करता है यदि तेरी कृपा हो तू चाहे तेरी नजर हो जाए तो क्या नहीं हो सकता जपे जा जपे जा जपे जा बहुत अच्छे दस मिनट और प्रेम पूर्वक चाहे तेज श्वास चाहे धीमी श्वास चाहे लंबी श्वास चाहे छोटी श्वास जैसी लेना है पर आनंद से प्रेम से एकाग्रता से जितना तुम कर सकते हो तुम करो जब तुम ना कर सको भगवान पर छोड़ दो जितना कर सकते हो करो आलस से तुम हटाओ एकाग्रता तुम बढ़ाओ कोशिश करो जाप तुम करो तुम थोड़ी देर के बाद खो जाओगे भगवान संभाल लेंगे तुम मिट जाओगे परमात्मा प्रकट हो जाएंगे मैं खो जाएगी चैतन्य प्रकट हो जाएगा शरीर खो जाएगा इंद्रियां खो जाएंगी मन खो जाएगा अंत में अहंकार अहंकार खोएगा चैतन्य परमात्मा रह जाएगा बुलबुला खो जाएगा जल रह जाएगा ढेला खो जाएगा मिट्टी रह जाएगी गहने खो जाएंगे सोना रह जाएगा बादल चले जाएंगे खो जाएंगे आकाश बच जाएगा तुम आकाश की तरह निर्मल हो जाओगे निर्मल का नाम जब निर्मल हो जाता है सफा को मिला जब सफा हो गया मैं सफा को मिला जब सफा हो गया मैं खुद ही मिट गई खुद खुदी मिट गई खुद मिटानी नहीं पड़ी खुदी मिट गई खुद खुदा हो गया मैं सफा को मिला जब सफा हो गया मैं राम को मिलकर राम हो गया सुमिरन करते करते एक कीड़े को भौरी अपना गीत सुनाती है वो कीड़ा धीरे धीरे उसके गीत को सुनता सुनता वो भौरा बन जाता है उसी रूप में ढल जाता है तुम भी सुमिरन करते करते राम का सुमिरन करते राम हो जाओ जाघट सुमिरन राम को सोनर मुक्ता जा राम का सुमिरन करते करते राम हो जाओ नारायण का सुमिरन करते नारायण हो जाओ निराकार का सुमिरन करते करते निराकार हो जाओ शुद्ध का पवित्र का निर्मल का स्मरण करते करते शुद्ध हो जाओ जिसका सुमिरन करोगे हो जाओगे पदार्थों का शरीर का सुमिरन करते शरीर हो गए निरंकार का सुमिरन करते निरंकार हो जाओगे अकाल पुरुष हो जाओगे हो जाओगे 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 राम बन जाओ शो हम बन शह और अहम वह और तुम खो जाओगे एक हो जाओगे तुम तुम न रहा मैं मैं न रहा मैं मैं न रहा तुम तुम न रहा खो गए सुमिरन करते करते सब खो गया ये तन खो गया ये मन खो गया ये अहंकार खो गया यहाँ तक अज्ञान विस्मृति खो गई जड़ता खो गई चैतन्यता रह गई जड़ता खो गई निद्रा खो गई आलस्य खो गया नीरसता खो गई चैतन्यता रह गई प्रसन्नता रह गई सजगता रह गई आनंद रह गया बहुत अच्छे शांति रह गई अब धीरे धीरे श्वास धीमी श्वास धीमी मन खो गया चैतन्य है आनंद है प्रसन्नता है होश है सजगता है एकाग्रता है खो गया सब चंचलता थी मन में मन खो गया चंचलता कहाँ जड़ता थी मन में मन खो गया न तमोगुण रहा न रजोगुण रहा न शतो गुण रहा वो भी गया शुद्ध सत्व रह गया शुद्ध चैतन्य रह गया शुद्ध ज्ञान रह गया, ना रह गया ना न ज्ञान न दे, ना न न मैं यह वह, सब खो गए, एक एक एक, एक, दूजो का है सुमिरिये जो जन्म और मर जाए एक का स्मरण करो जो निराकार है चैतन्य है अंदर जाग रहा है जो दिखाई देता है उसका नहीं जो सुनाई देता है नहीं इंद्रियां नहीं मन नहीं अहंकार नहीं कोई नहीं केवल चैतन्य है चैतन्य है चैतन्य है गोविंद है गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद गो बिन नहीं कोई सब चेतन है सब चेतन है आँख भी कुछ नहीं कान भी कुछ नहीं मन भी कुछ नहीं क्या है ढेला क्या है घड़ा क्या है बर्तन क्या है मकान मिट्टी तो है क्या है लहर जल तो है क्या है गहना सोना तो है ऐसे ही सब चेतन है सब चेतन है चेतन बिन नहीं को बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर चेतन भीतर और बाहर एक है हमें भ्रम है कि चेतन भीतर है हाँ मन भीतर है इंद्रियां देह में हैं चेतन केवल देह इंद्रियों में नहीं है चेतन तो सर्वत्र है बल्कि चेतन में सब कुछ है चेतन में सारा संसार रहता है तुम स्वप्न में नहीं रहते स्वप्न ही तुम में था स्वप्न खो गया तुम रह गए सब कुछ तुम में है सब खो गया तुम बच गए यह तुम अहंकार नहीं है यह तुम ब्रह्म है तुम और ब्रह्म ब्रह्म और तुम दो नहीं हो इसलिए सह अहम अहंसा सो हम हंसा हंसा सोहम सोहम हंसा हंसा सोहम बार बार उल्टा सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात ये निरंजन माला है जिसमें जबान नहीं हाथ नहीं माला नहीं अंदर 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 बहुत अच्छे सुमिरो सुमिरो समय व्यर्थ ना करो खो जाओ अब धीरे धीरे आंख नहीं सुमिरन चेतना से सुरती से सुमिरन आंख की जरूरत नहीं चेतना से सुमिरन कान की जरूरत नहीं चेतना से सुमिरन हाथ की जरूरत नहीं चेतना से सुमिरन कोई वस्तु की जरूरत नहीं कोई वस्तु नहीं चाहिए सारी वस्तु तुम्हारे पास है वह सदा तुझ पास वो तेरे पास है वो तेरे अंदर है तुझे बाहर से कुछ नहीं लाना सुमिरन मात्र तू कर वो तो तेरे अंदर हाजिर है तो ही संग समाई, तेरे पास है, है, वो है, तुझ में वही वही है उसके बिना न तन है न मन है न तन ही रहा न मन ही रहा बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया अपने गुरुजी की महिमा कहा लग कहू मेरा दुई वाला द्वैत वाला दाग खत्म हो गया कोई और नहीं बचा सब खो गया गुरु और शिष्य मिल गए भक्त और भगवान मिल गए कहन सुनन की है नहीं देखा देखी बात ये कहने सुनने की नहीं खुद देखा हमने कहन सुनन की है नहीं देखा देखी बात दूल्हा दुल्हन ले गया फीकी पड़ी बरात, ये दूल्हा चेतन दुल्हन सुरत दूल्हा चेतन सुरति दूल्हन है दूल्हा चेतन है सुरति को स्वामी ले गया सुरति को चेतन ले गया दूल्हन को दूल्हा ले गया सब बरात इंद्रिया दे संसार फीका पड़ गया बेकार हो गया इससे कोई मतलब ना रहा जैसे सो गए थे तो संसार खो गया था जागे तो स्वप्न खो गया ऐसे ही तुम्हारी सुरति स्वामी में गई तुम्हारी सूरत चेतन में आई जीव ब्रह्म में गया संसार फीका हो गया व्यर्थ हो गया छूट गया बरात बेकार हो गई बरात ब्याह के लिए थी बरात पत्नी के साथ नहीं जाती सुरति के साथ संसार नहीं था शरीर जरूरी था इंद्रियां जरूरी थी नहीं सुमिरन कैसे होता पर अब सुमिरन चाहिए बरात नहीं चाहिए इंद्रियां नहीं चाहिए संसार नहीं चाहिए बरात फीकी हो गई बरात वापस हो गई दुल्हन दूल्हा के पास आ गई शुरति स्वामी के पास आ गई जीव ब्रह्म में आ गया जीव निरंकार में आ गया अकाल पुरुख की शरण आ गया अकाल पुरुख और जीव एक हो गए ये मिलन हो गया ये समाधि हो गई श्रति स्वामी का मिलन जीव ब्रह्म का मिलन भक्त भगवान का मिलन साधक साधना साध्य एक हो गए न साधक रहा न साधना रही न अलग साध्य रहा न ज्ञाता रहा न ज्ञान रहा न गे रहा चैतन्य रह गया चैतन्य में सब समा गया चैतन्य था है और रहेगा एक दो मिनट मौन शांत रहते हुए निर्विकल्प निर्विचार कुछ ना करो जागे रहो सुमिरो कोई जाप नहीं करना कोई प्रयत्न नहीं करना जैसे सहज हो रहा है सो हम वाहे गुरु वाहे गुरु राम अंदर कोई बोल रहा है न हाथ बोल रहे न जबान बोल रहे न मन बोल रहा न सुरती भी खत्म हो गई मुई सूरत बाद अहंकार भी मर गई अहंकार भी खो गया वो नाम मुआ जो जानन हार वो चैतन्य नहीं मरा वो एक रह गया सुरती भी मर गई करना भी खो गया मन भी न रहा अहंकार भी करतापन न रहा करने वाला न रहा भगत न रहा करना न रहा साधना न रही साध्य न रहा क्या हो गया सब मिलकर एक हो गए दृष्टा दर्शन दृशिक खो गए ज्ञाता ज्ञान एक हो गए भक्त भक्ति भगवान खो गए चिन्ह मात्र सत्ता रह गई आनंद रह गया शांति रह गई समाधि रह गई मुक्ति रह गई सुमिरन सहज रह गया करना खो गया करता खो गया पाने वाला खो गया प्राप्त हो गया जो कुछ पाना था इतना ही कहते हुए समाप्त करेंगे एक मिनट मौन और शांत रहते हुए प्रसन्न रहते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे धीरे धीरे छोड़ देंगे बहुत अच्छे धीरे धीरे छोड़िए साधना का ये आखिरी दिन है और शाम की सभा आखिरी सभा होगी उसी के साथ ये कार्यक्रम पूरा होगा फिर आपके पुण्य होंगे परमात्मा की कृपा मेहर होगी हाँ और सिद्धों का जन्मों जन्मों का आपका पुण्य होगा तो फिर ये अवसर प्राप्त होगा पर जो प्राप्त हुआ है अवसर इसका उपयोग सच्चे मन से करिए घर पे भी करिए कभी कभी किसी समय मन नहीं लगता फिर लग जाता है पुराने संस्कार बाधा बनते हैं इसलिए हिम्मत जुटाइए बाधाएं तो सदा रहेंगी संसारियों को दुकान धंधे में बाधाएं रहती हैं पर काम नहीं छोड़ते सौ बार असफल हो फिर भी भजन करो ध्यान करो किसी एक दिन इतना गहरा ध्यान लग जाएगा कि चमत्कार घट जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा अब मैं एक प्रश्न करूंगा उसका उत्तर आप देंगे जो मैं पूछूंगा उस सुन करके हाथ उठाने से उत्तर और न उठाने से हाथ ना उठाने से उठाने से उत्तर मिलेगा जिसको जिसको अभी का ध्यान अच्छा लगा हो सिर्फ वही हाथ उठावें जिनको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें बहुत अच्छा झूठे नहीं उठाए और जिनको दो बाधाएं होती हैं शरीर की पीड़ा जिनको शरीर की पीड़ा ने बाधा पहुंचाई वो हाथ उठावें संकोच नहीं करें दूसरा जिसके मन की चंचलता यहाँ वहाँ भागता रहा संसार हावी है वो लोग हाथ उठाएं जिनका मन ज्यादा परेशान करता है और अब आखिरी बार जिनको तन ने भी परेशान नहीं किया और मन भी सुमिरन में लगा अच्छा महसूस हुआ सिर्फ वो हाथ उठाएं बहुत अच्छे आ, आ, कोई संकोच से उठाते हैं हम जब पढ़ते थे ना यदि कोई अध्यापक पूछे आठ पंचे तो हाथ उठाओ तो कई लोग तो ऐसे उठाते थे जिनको आता था जिनको नहीं आता था वो यूं यू करते थे कि पता नहीं और जो हाथ उठा तो जिसका हाथ ढीला था उसी को पूछ लेते थे अध्यापक आठ पंचे और कई बार उसने कहा चालीस बोला तो सही पर उन्होंने फिर से पूछा ठीक ठीक बोलो तो कहता है पैंतीस अब बताओ ठीक बोला था डर गया दृढ़ता नहीं थी तो जिसको भीतर से लगे आज नहीं कल किसी दिन लगेगा हमें मिल गया जो पाना था धन्य हो गए सचमुच मार्ग मिल गया पहुंच गए ऐसा अनुभव होगा तो फिर लगेगा हमारा जन्म सफल हो गया यही कहकर समाप्त करते हैं ओम शांति 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 शान।